आप लोग वेलकम टू न्यू न्यूट्री क्लासेज। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोग संविधान सभा पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के थ्रू हमारी संविधान सभा के दो कार्य थे। सबसे पहला कार्य क्या था, संविधान सभा को संविधान का निर्माण करना था और उसी के साथ ही संविधान सभा को हमारे देश में शासन भी करना था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार जो है, या फिर मैं बोलूँ कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत से जा चुके थे। तो जो संविधान सभा जो थी, जो संविधान बनाने के लिए काम कर रही थी उस टाइम पे, उसके अध्यक्ष जो थे वो थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो संविधान सभा संसदीय विधायिका, मतलब जो कानून बनाने होते थे शासन चलाने के लिए, तो जिसको बोलते थे संसदीय विधायिका थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी महाबलंकर जी। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी और मैंने आपको कुछ तथ्य पढ़ा रहा था संविधान के बारे में कि कब हमारे संविधान, कितनी बैठकें हुई, कितने वाचन हुए हमारे संविधान के। और आगे हम लोग देखते हैं हमारा कोई, बहुत सारी समितियाँ भी मैंने आपको बताई थी। और अब हम लोग देखते हैं कि जो कानून बनाने के लिए जो सबसे पहली संसद जो बनाई गई थी, सबसे पहली संसद जो बनी हुई थी उसके बहुत सारे मंत्री थे। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आते हैं कि सबसे पहले विधि मंत्री कौन थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, उसके कुछ इंपोर्टेंट्स जो मंत्री थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, ठीक है मंत्री। सबसे पहले आज जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। राष्ट्रमंडल विदेशी मामले, ठीक है। तो इनके दो प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके साथ ही इनके पास कौन से मंत्रालय और थे, राष्ट्रमंडल के भी ये प्रमुख मंत्री थे और विदेशी मामले थे वो भी इन्हीं के पास थे। इसके अलावा इनके पास वैज्ञानिक रिसर्च साइंस से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही था। क्या क्या था इनके पास, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले। इसी के साथ ही वैज्ञानिक वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं वो, साइंस वाले डिपार्टमेंट होते हैं वो, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर मैं बात करूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय था, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था और राज्यों के मामले थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन आए हुए कि सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे, ठीक है। तो गृह मंत्रालय था इनके पास, साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी था इनके साथ ही, और इनके पास राज्यों के मामले भी थे, ठीक है, राज्यों के मामलों के भी ये हेड थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आ चुका है कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जो थे हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई, ये क्या थे, ये हमारे रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, ठीक है, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। वहीं अगर मैं बात करूँ बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कई बार आ चुका है कि सबसे पहले विधि मंत्री, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, और आर के षणमुखम शेट्टी जो थे हमारे पास वित्त मंत्री थे हमारे। तो ये तो आपको याद करने ही करने हैं, इसके अलावा बहुत सारे और मंत्री हैं, लेकिन ये जो हैं सारे के सारे इंपोर्टेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल थे और विदेशी मामले इनके पास थे। इसी के साथ इनके पास साइंस वाले डिपार्टमेंट भी इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे, और उसी के साथ ही हमारे इनके पास जो थे राज्यों के मामले भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। भैया अगर मैं बात करूँ अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये हमारे शिक्षा मंत्री थे। और अगर मैं बात करूँ जॉन मथाई जो थे वो थे हमारे पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास जो क्या था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो थे हमारे विधि मंत्री। और सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था, रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। और आर के षणमुखम शेट्टी का थे, आर के षणमुखम शेट्टी जो थे वो थे हमारे वित्त मंत्री। इसलिए तो आपको याद करने करने हैं, इसके आगे हम लोग और फैक्ट देखते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण से संविधान सभा से रिलेटेड। तो जैसा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था, तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में टोटल समय अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, या फिर आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 3 साल में 12 दिन कम, ठीक है। कुल कितना व्यय हुआ था, तो 63,96,729 के आसपास टोटल व्यय हुआ था। कितना खर्चा आया था,
और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और इसी दिन ही हमारे हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया था, और मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता मिली थी। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल क्या है? तो राष्ट्रमंडल क्या होता है कि मतलब एक राष्ट्रमंडल ग्रुप है जिन पर ब्रिटिश सरकार ने या फिर ब्रिटिशर्स ने जिन पे रूल किया हुआ है उनका एक ग्रुप है जिनके उसको रहता है राष्ट्रमंडल। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और अंतिम बैठक कब हुई थी? ये भी भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को, और कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय टोटल लगा हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसी के साथ हमारा संविधान कब लागू होगा, पूर्णता कब लागू होगा, पूर्णता जो लागू होता है वो होता है हमारा 26 जनवरी 1950 को। और अब हम लोग देखते हैं संविधान के डिज़ाइन के बारे में कि किसने इसको लिखा था और किस कहाँ पे ये प्रिंट हुआ था, तो वो सारी चीज़ और देख लेते हैं। थोड़े थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन जो कि कई बार आ जाते हैं और हम लोग को नहीं पता होते हैं, तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि संविधान का डिज़ाइन कैसे क्या हुआ है। तो पेंटर कौन थे संविधान सभा में, जो मतलब जो आसपास की मतलब जो किनारे जो पेंटर पेंटिंग टाइप की जो की थी वो किसने की थी? तो वो की थी नंदलाल बोस एवं राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? नंदलाल बोस एवं राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। पेंटिंग जो भी पेंटर्स मतलब जो पेंटिंग की होगी ना, जो भी जितने भी इस टाइप से बॉर्डर वगैरह बनाते हैं ना, हम लोग साइड्स में बॉर्डर वगैरह बना हुआ है हमारे संविधान में आप लोग देखोगे तो उस पर किसने किया हुआ था, वो सब काम किया हुआ था नंदलाल बोस एवं राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। और वहीं अगर मैं बात करूँ लेखक किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा। इन्होंने जो लिखा था इंग्लिश में लिखा था, आप लोगों को याद रखना है कि हमारा पूरा संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ प्रिंट कहाँ पर प्रिंट हुआ था, तो देहरादून में प्रिंट हुआ था। ठीक है, और हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो कृष्ण वैद्य ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। किसने किया था? कृष्ण वैद्य ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। मुख्य प्रारूपकार कौन थे इसके? तो एलएन मुखर्जी जो थे वो थे मुख्य प्रारूपकार। और संविधान सभा का सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव जो थे वो थे एम ए अयंगर। ठीक है, और इसी आपको याद रखनी संविधान सभा के बारे में कि कैसे किसने डिज़ाइन किया, किसने पेंटर किया, कई बार क्वेश्चन से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे पेंटर कौन थे? तो पेंटर थे नंदलाल बोस तथा राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, और कोई बोलेंगे लेखक कौन थे? लेखक थे प्रेम बिहारी रायजादा। और प्रिंट कहाँ पे हुआ था? देहरादून में प्रिंट हुआ था। हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किया था कृष्ण वैद्य ने। और प्रमुख प्रारूपकार कौन थे? तो वो थे एल एन मुखर्जी। और संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो वो थे एम ए अयंगर। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार फेवर क्वेश्चन में आता है, क्या गांधी हमारे संविधान सभा के कभी हमारे संविधान सभा में गए हैं या फिर उन्होंने कभी संविधान सभा का हिस्सा थे? तो नहीं थे। ठीक है, उसके साथ साथ जिन्ना भी हमारे संविधान सभा के हिस्सा नहीं बने, कभी भी नहीं बने। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जिन्ना और गांधी कभी भी संविधान सभा का संविधान के बारे में समझना जानकारी लेते हैं कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं। तो हमारे संविधान में जब बना हुआ था संविधान, तो हमारे टोटल भाग कितने थे? 22 भाग थे। अभी कितने हैं? 25 हैं। देखो ये जो भाग कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8 हैं। और अभी प्रेजेंट में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद कितनी हैं? 395 जब बना था तब थे, और अभी लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 450 प्लस अनुच्छेद। शब्द कितने हैं हमारे संविधान? लगभग 1.5 लाख के शब्द हैं। फिर से देख लीजिए, तो हमारे संविधान का भाग कितने भाग थे जब हमारा संविधान बना था? तब कितने भाग थे? तब हमारे संविधान में भाग थे 22, और अभी प्रेजेंट में कितने भाग हैं हमारे संविधान में? तो हैं 25। और हमारे संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे हमारे संविधान में अनुसूचियाँ थी 8, और अभी हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूँ तो हमारे संविधान में अभी अनुसूचियाँ 395, और उस टाइम पे कितने हमारे संविधान में जब बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी अनुच्छेद थे? तो हमारे संविधान में अनुच्छेद थे 395, और अभी हमारे प्रेजेंट में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो हैं 450 प्लस। ठीक है, 450 के आसपास। ठीक है, और शब्द कितने हमारे संविधान में? लगभग 1.5 लाख के आसपास शब्द थे, लगभग है। ये यहाँ तक हम लोगों ने अपना कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ ये देख लिया। कैसे हमारे कितने सारे यहाँ कौन कौन से अधिनियम हमारे यहाँ पे आए, और किस अधिनियम के थ्रू हमारे संविधान का निर्माण हुआ, और किस अधिनियम के थ्रू हमारा संविधान बना,
कैसे हमारी संविधान सभा ने कहाँ कहाँ पे बैठकें आए, कौन कौन सी बैठकें आयोजित हुई और कितने वाचन हुए, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे से हम देखेंगे हमारे संविधान के बारे में और कल हम लोग डिस्कस करेंगे अनुसूचियाँ जो हमारे संविधान में पहले जब 8 अनुसूचियाँ थी वो और अभी प्रेजेंट पे 12 अनुसूचियाँ हैं, तो कौन सी 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं वो उन अनुसूचियों के बारे में देखेंगे हम लोग। तो कल से हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा संविधान। पहले हम लोग देखेंगे अनुसूचियाँ, उसके बाद हम देखेंगे भाग, कौन से किस भाग में हमारे मौलिक अधिकार हैं, किस भाग में हमारा निर्वाचन आयोग है, किस भाग में हमारे संविधान में संशोधन हो सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे सब सारी चीज़ें। अब लोग हम पढ़ेंगे पूरा संविधान, पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची, देखेंगे अनुसूची के बाद हम लोग जाएंगे क्रमवाइज जाएंगे कि पार्ट वन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सारे पार्ट टू पार्ट थ्री में क्या है और उनके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।